एवरीवन, दिस इज पलक शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 1 मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है, अ स्मॉल फर्म मैन्युफैक्चर नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, द टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक अ नेकलेस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे इज 16। इफ द प्रॉफिट ऑन द नेकलेस इज 100 एंड दैट ऑन अ ब्रेसलेट इज 300, formulate on LPP for finding how many of each should be produced daily to maximize the profit. Is it being given that at least one of each must be produced? अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हमारे पास में एक स्मॉल कंपनी है या स्मॉल फर्म है, वो क्या करती है, हमारे नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स को बनाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन में अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो आपका मतलब आधा काम वहीं पर हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स जो बन सकते हैं वो है एटमोस्ट 24। मतलब नेकलेसेस प्लस ब्रेसलेट्स जो टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकते हैं वो है हमारे 24। 24 से नीचे कितने भी आप टोटल इनके बना सकते हैं, मतलब नेकलेस और ब्रेसलेट जब मैं दोनों को गिनूंगी, दोनों को कंसिडर करूंगी, तो आप 24 से नीचे कितने भी बना सकते हैं, बट 24 से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम लिमिट हमें सेट कर दी गई है कि 24 से नीचे रहना। तो मतलब अगर नेकलेसेस हैं हमारे N, ब्रेसलेट्स हमारे B, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा ही क्या रहना चाहिए, 24 के इक्वल हो या 24 से कम हो। तो यहाँ तक हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला है, इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ ब्रेसलेट एंड हाफ एन आवर टू मेक अ नेकलेस। अगर मैं ब्रेसलेट्स बनाती हूँ तो उसके लिए मेरे को हाफ आवर लगता है, सॉरी 1 आवर मेरे को ब्रेसलेट बनाने में लगता है, और अगर हम नेकलेस बनाते हैं उसके लिए हमें लगता है हाफ एन आवर। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है वो है 16। अब 1 घंटा ब्रेसलेट को बनाने में लगता है और नेकलेस को बनाने में हाफ आवर लगता है, बट जो पूरा टाइम कंपनी के पास में 1 दिन के अंदर है वो है 16 आवर्स। मतलब 16 आवर्स से ज़्यादा आपके पास है ही नहीं, तो आप 16 आवर्स के अंदर जो चाहें वो बना लीजिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आपसे बोला नेकलेस के ऊपर जो प्रॉफिट है वो है 100 रुपीज़ का और ब्रेसलेट के ऊपर प्रॉफिट है 300 रुपीज़ का। अब नेकलेस के ऊपर है 100 रुपीज़ का, ब्रेसलेट के ऊपर है 300 रुपीज़ का प्रॉफिट। मतलब आप एक ब्रेसलेट बनाओगे तो आपको 300 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, LPP फॉर्मुलेट करनी है जिससे हम अपने प्रॉफिट को क्या कर पाएँ, मैक्सिमाइज कर पाएँ। अब क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये नहीं बोला कि आप बताइए कितने नंबर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ LPP फॉर्मुलेट करनी है। ये देखते हैं हम लोग अब इसे किस तरीके से करने वाले हैं। तो अगर मैंने मान लिया मेरे नंबर ऑफ नेकलेसेस जो फर्म ने बनाए वो है एक्स, नंबर ऑफ नेकलेसेस हमने मान लिए कि हमारे एक्स बनते हैं और ब्रेसलेट्स हमने मान लिए वाई बनते हैं। ये लैंग्वेज पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें स्पेसिफाई करके एग्जामिनर को बतानी होंगी कि हम नेकलेसेस को एक्स मान रहे हैं, ब्रेसलेट्स को वाई मान रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमें पता है कि अगर ब्रेसलेट्स एक नंबर है और नेकलेस भी एक नंबर है, तो आपको पता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हमें लगाने ही होते हैं। ब्रेसलेट हमेशा आपके 0 या 0 से ज़्यादा होंगे, तो आप एक भी ब्रेसलेट ना बनाओ या आप 1 से ज़्यादा ब्रेसलेट बनाओ, मतलब ब्रेसलेट कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो रहेगी, हमेशा ही आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। कभी भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने -2 ब्रेसलेट बनाए, तो वो चीज़ कंसिडर नहीं होगी। तो ये आपके हो गए नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। अब आपसे बोला है जो टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट हैं वो एटमोस्ट कितने बनते हैं, 24 बनते हैं। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ नेकलेसेस प्लस नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स अगर मैं प्लस करूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन और इक्वल टू मेरे पास में रहेगा 24। तो पहली कंडीशन आपकी यहां से आई। दूसरा था हमारा घंटों वाली कंडीशन कि 1 घंटा हमें लगता है ब्रेसलेट बनाने में एंड हाफ एन आवर हमें लगता है नेकलेस बनाने में। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 1 आवर जो हमें ब्रेसलेट के लिए लग रहा है, तो अगर हमने एक ब्रेसलेट बनाने में हमें 1 आवर लगता है, एक ब्रेसलेट बनाने में हमें 1 घंटा लगता है, तो अगर मैं वाई ब्रेसलेट्स बनाऊंगी तो मेरे को वाई आवर्स लगने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी तरीके से नेकलेस की, तो एक नेकलेस बनाने में मेरे को हाफ एन आवर लगता है, और अगर मुझे एक्स नेकलेस बनाने तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, हाफ इंटू एक्स टाइम लगेगा। अभी जो टोटल टाइम मेरे पास में हो गया नेकलेस के लिए हाफ इंटू एक्स प्लस ब्रेसलेट्स के लिए वाई, वो हमेशा क्या रहेगा, टाइम हमेशा क्या रहेगा हमारे पास में, वो टाइम हमेशा हमारा 16 आवर्स से कम ही रहना। तो इसको इज लेस देन इक्वल टू हम करेंगे 16। आगे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 32। तो पहली इक्वेशन हमारी 24 की बन चुकी थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली बन चुकी है। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमारा ऑप्टिमाइज फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जेड जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिल रहा है नेकलेसेस के ऊपर, तो 100 इंटू एक्स
प्लस 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिलेगा ब्रेसलेट्स के ऊपर, तो जाएगा 100x प्लस 300y। तो ये हमारे पास में LPP आ गई, इसमें हमें पता चल गया कि हमें मैक्सिमाइज करना है इसको, सब्जेक्ट टू हमारे पास में तीन कंडीशन है, ये तीनों हम लोग मेंशन करेंगे और यहाँ से आप लोगों को 1 मार्क मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चन आप लोगों को चैनल की शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और अमेजिंग क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर एक बार विजिट करिएगा, काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए चैनल पर हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे भी आप लोगों को अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। टिल देन बाय बाय।